भाई बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद डॉली चाय वाला ने अपने हेटर्स को ना बहुत ही तगड़ा रिप्लाई दिया है। कुछ लोग आए थे हमारे चाय के टपरी पर और चले गए थे हमको छपरी बोलकर। ये तो मेहनत का फल है ना साहब। आ गए ना सीधा बिल गेट्स सर को चाय पिलाकर, समझने का काम है। अभी तुम लोगों ने पूरी वीडियो में जी जान से कोशिश कर ली, फिर भी तुम लोगों से दो लाइन राइम नहीं हुई। मतलब यार तुम लोगों ने इतना ज्यादा किया क्या जो इतना कमेंट दिखा रहे हो यार? जी बताओ, पहले खाली बिल गेट्स को चाय तो पिलाई है, तुमने उसकी कंपनी के आधे शेयर तो नहीं खरीद लिए ना, जो इतनी चौड़ दिखा रहा है भाई। और ये इसे देखो, ये कोट पैंट पहन के डॉली के बगल में ऐसे खड़ा है जैसे कि बियर बाइसेप्स पे इसका अगला पॉडकास्ट आने वाला हो। कभी सेंधा नमक लगा के चाट के देखिए। तो हे गाइस, इट्स मी यश और आप लोग देख रहे हो गड़बड़ इंसान चैनल। तो फटाफट से चलो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जिनकी रिप्लेसमेंट यूनिवर्सिटी से लेकर सीधे टी स्टॉल पर आके खत्म हुई है। हरे कृष्णा, मैं हूँ बीटेक पानीपुरी वाली और आप सभी के प्यार से जैसे मैंने शुरू किया था बुलेट से, उससे पहले स्कूटी से कार्ड को टो करना, तो आज आप देख सकते हैं इतने सारे प्यार और सब। अरे यार भाई, थार के पीछे ठेला बांध के खींचा जा रहा है। मतलब जहाँ पे गुड़गांव और उत्तर प्रदेश में थार के पीछे बंदों को बांध के खींचते है ना, वहाँ पे ये ठेला खींच रही है, वो भी गोलगप्पे का। सभी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि मैं अब अपनी छोटी सी थार से इस अपनी प्यारी सी कार्ड को टो करके लेके आती। हट बहन कर, मतलब यार छोटी सी थार, नहीं छोटी सी थार ही है। अबे यार दीदी, एक बात बताओ, इस थार को महिंद्रा के शोरूम से लेके आई हो या फिर बसंत पंचमी के मेले से? इस अपनी प्यारी सी कार्ड को टो करके लेके आती। अबे यार इतनी बड़ी थार इसको छोटी सी लग रही है। नहीं मतलब मैं सच बताऊँ, तुम्हारे इस गोलगप्पे के खेल की वजह से ना थार की औकात छोटी सी हो गई है। कल महिंद्रा के फाउंडर भी ना मिस्टर आनंद ये वीडियो देखने के बाद ना इसको गाली दे रहे होंगे। तो लोगों को लगता है ये एक दिन में हो गया कि लड़की रातों रात वायरल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके पीछे हजार। हाँ हाँ दीदी, आपके लग गए होंगे कई साल मेहनत में, लेकिन आपकी वजह से लोग तो रातों रात वायरल हो जाते हैं। खैर, अब चाय के स्टॉल खोलने में तो लोग अपने ग्रेजुएशन का ज्यादातर नाम रखते हैं, लेकिन एक बात बताऊँ, अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक IAS चाय वाले से। चलो मिलवाता हूँ। इसको इस तरीके से डाल देना है। तो आज मैं मोमोज चाय बना रहा हूँ। मोमोज चाय देख सकते हैं कि ये जो मैन है बहुत फेमस है, जो मोमोज बनाती हैं, इनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने सोचा कि आज मोमोज चाय बनाते हैं। और ये पहला जो मोमोज चाय होगा इंडिया का, वो मैम को मैं डेडिकेट करूंगा। तो अब इसका प्रोसीजर दिखा दो। ना ना ना, ना ये क्रेडिट नहीं है ना, ये तू ले जाकर डायरेक्ट अपनी मैम साहब को खिला के दिखा। कम से कम उन्हें ये तो पता चले कि आके लोगों को इंस्पायर करने का नतीजा क्या होता है। तो अब इसका प्रोसीजर दिखाते हैं कि बनता कैसे है, ठीक है? चाय जब बना लेना है तो इसमें मोमोज को डाल के उसको मैरिनेट करना है 2 मिनट। तो इसमें देखिए, इसको इस तरीके से डाल देना है, उनको धीमी आंच में इसको पकाना है, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि जब ये सोक कर लेगा उसको, ये चाय को सोक करेगा, तो जब आप इसको खाओगे तो आपको मोमोज का भी टेस्ट आएगा और चाय का भी टेस्ट आएगा। यार चाय में मोमोज नहीं, मतलब ये बता यार आखिर कौन से सस्ते में से करके ये लेडी बना रहे हैं यार। यार एक बात बताओ, ये चाय वाले ना एक सब एक दूसरे से इंस्पायर होने के बाद ठेले खोल रहे हैं। ये है रसगुल्ला चाय। सो गाइस, आज हम नया आइटम इंट्रोड्यूस किए हैं अपने स्टॉल पे और वो है रसगुल्ला चाय। सो आज हम लोग बनाएंगे और आप। अबे यार, अब तो यार चाय पीने का मन भी नहीं करेगा, मतलब जब भी चाय पीने जाऊंगा ना तो इस चाय वाले की याद जरूर आ जाएगी। यार यार छोड़ो, इनकी ये सब बकवास तो चलती रहेगी। ये कभी कभार, यार मैं बता दूँ, ये कभी कभार आइसक्रीम वाली भी चाय बना देता है। मतलब कुछ है ही नहीं लॉजिक इसकी चाय में, ये IAS चाय वाला है, पता नहीं कैसा नाम भी तो चल। खैर छोड़ो, चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ना वीडियो को लाइक कर दो, और यहाँ तक देखते हुए आ जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो में क्या कमी रहेगी वो जरूर बता देना, ठीक है?